मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान पर मुंबई और कर्नाटक की टीम के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच खेला जा रहा था और इसी मैच के तीसरे दिन यानी कि 5 दिसंबर को एकाएक मैच रोकना पड़ा। जानते हैं क्यों? मैच को रोकने के पीछे का कारण बारिश या कुछ और नहीं बल्कि सांपों की एंट्री हो गई। रणजी ट्रॉफी में ऐसा दूसरी बार देखा गया है जब सांप मैदान के अंदर आ गया। मुंबई बनाम कर्नाटक रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान एक नहीं बल्कि 2 सांप मैदान पर जा पहुंचा, जिन्हें ग्राउंड स्टाफ की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि उसी दिन मैच का नतीजा भी तय हो गया, जिसमें मेजबान टीम मुंबई को 5 विकेट से कर्नाटक की टीम ने मात दे दी, जिसमें भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज शामिल थे। इससे पहले मुंबई को रेलवे की टीम ने भी करारी शिकस्त दी थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।